वी कांट हेल्प, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। द चेयरमैन हैज़ डिसाइडेड टू कंप्यूटराइज द कंपनी। तो चेयरमैन ने फैसला कर लिया था, निर्णय लिया था इसका, कंप्यूटराइज का, कंप्यूटर रखने का कहाँ पर, कंपनी में। इफ़ यू रिमेंबर, अगर तुम्हें याद हो, द कंपनी हैड एडवाइस ऑल एम्प्लॉइज, ये कंपनी ने क्या किया था, मशवरा दिया था, सलाह दी थी तमाम काम करने वालों को, कर्मचारियों को, टू लर्न कंप्यूटर, कंप्यूटर के सीखने का। ऑल दोज एम्प्लॉइज हु डिड नॉट पे हीड, पे हीड ध्यान देना, तो आप कह रहे कि वो तमाम कर्मचारी काम करने वाले जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है, दिस एडवाइस, इस एडवाइस पर, इस मशवरे पर, इस आदेश पर, बींग लेड ऑफ, तो उसकी छुट्टी कर देगी, उसको काम से हटा दिया जाएगा। मोर एवर, इसके अलावा, द कंप्यूटर्स विल हेल्प अस हैव अ शॉर्टर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कर्मचारी की संख्या को कम करने का। तो कंप्यूटर हमें फ़ायदा देगा किस बात का, कि कर्मचारी कम हो जाएंगे, कर्मचारियों के संख्या के कम होने का। एंड सेव ऑन द कॉस्ट टू, और कॉस्ट कहते हैं लागत को, और लागत के बचाने का भी, यानी पैसे ही बचेंगे, सेड द मैनेजर, मैनेजर ने कहा था। सर एनी वर्ड्स फेल टू कम आउट ऑफ प्रेम्स माउथ, या देखिए कोई शब्द, यानी कि मुँह से, किसके, प्रेम के मुँह से कोई शब्द नहीं निकला, यानी फेल हो गया, कोई शब्द उसके मुँह से निकला ही नहीं, कुछ बोल ही नहीं पाया। आई सर्व दिस नोटिस ऑन यू फॉर दिस पर्पस, तो इस पर्पस पर, इस मकसद पर, इस बिना पर, मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, तुम्हें एक नोटिस दे रहा हूँ, इसी वजह से तुम्हें एक नोटिस दे रहा हूँ। द मैनेजर हैंडेड हिम ओवर एन एनवेलोप, तो मैनेजर ने हैंड ओवर किया हाथ में उसको एक एनवेलोप, लिफाफा थमा दिया। यू आर नो मोर एन एम्प्लॉई ऑफ दिस कंपनी, अब और ज़्यादा आप इस कंपनी में काम नहीं कर सकते, मैनेजर ने कहा। फ्रॉम टुडे, आज से, यानी आज से इस कंपनी में और ज़्यादा काम नहीं कर सकते। बट यू विल गेट अ मंथ सैलरी, लेकिन तुम्हें जो महीने की सैलरी वो मिलेगी, एंड बोनस, और बोनस मिलेगा एट द एंड ऑफ वन मंथ, महीने के आखिर में। प्लीज़ कम, कृपया करके आना, देन एंड कलेक्ट योर पेमेंट, और अपने पेमेंट को ले लेना, हासिल करना। प्रेम स्टूड अप फ्रॉम हिज चेयर, तो प्रेम जब अपने चेयर से, अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, ही वॉज फीलिंग गिडी, गिडी कहते हैं चक्कर आने को, उसको चक्कर महसूस हो रहा था, यानी उसको चक्कर आने लगे बात सुन करके। द मैनेजर टू स्टूड, मैनेजर भी खड़ा हो गया, एंड शूक हिज हैंड, और अपने हाथ को उसने हिलाया। प्रेम डिड नॉट नो वेदर टू ऑफर स्वीट्स टू द मैनेजर और नॉट, प्रेम नहीं जान सका, नहीं पता लगा कि वो पेश करे मिठाई को मैनेजर को या नहीं, यानी कि मैनेजर को मिठाई दे या नहीं, क्योंकि मिठाई का बॉक्स लाया था वो। अब वो सोच में पड़ गया कि मिठाई इसको देना है या नहीं देना है। ही कुड नॉट डिसाइड, वो डिसाइड नहीं कर पाया, वो निर्णय नहीं ले सका, फैसला नहीं कर सका, वेदर टू पिकअप, कि मिठाई का बॉक्स, बॉक्स ऑफ द स्वीट्स, मिठाई का डब्बा उठाएं फ्रॉम मैनेजर्स टेबल, मैनेजर के टेबल से, और नॉट, या नहीं। ही केम आउट ऑफ द ऑफिस एम्प्टी हैंडेड, फिर वो आ गया बाहर, ऑफिस से बाहर आया हाथ खाली, यानी कि मिठाई का डब्बा वहीं छोड़ दिया। एंड ही डेड, और उसने रुक कर लिया कहाँ, फॉर हिज हाउस, अपने घर की तरफ, और वो अपने घर की तरफ चल दिया। हिज ऑन वर्ड्स अटर्ड फॉर सुनीता, तो उसके जो अपने शब्द थे वो सब गूंज रहे थे कहाँ, सुनीता के लिए, वही शब्द, दैट सेम, वही शब्द, मॉर्निंग वर रिंगिंग इन हिज ईयर्स, उसके कान में वो गूंज रहे थे सुबह के वक्त में, जैसे उसने सुनीता के साथ किया वही बात इसके कान में बार बार आ रही थी। वन मशीन हैड गिवन हिम जॉय, तो एक मशीन ने क्या किया, उसको एक खुशी दी। एंड अनदर हैड स्नैच्ड इट ऑल, और दूसरे तरफ उसका सब कुछ छीन चुका था, ऐसा लग रहा था किसी ने कब्जा कर लिया।
अब अगला जो पेज है वो क्वेश्चन आंसर पे है, कल क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।